नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो स्टडी सेंटर। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्रिकेट में जो गेंदबाजों द्वारा गेंद डाली जाती है उसकी गति कैसे नापी जाती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों क्रिकेट ऐसा एकमात्र खेल है जिसमें दोस्तों क्षेत्र रक्षण, गेंदबाजी और बल्लेबाजी का महत्व एक समान होता है। लेकिन दोस्तों जो गेंदबाजी होती है, गेंदबाजी का महत्व काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों गेंदबाजी क्रिकेट को अच्छी गति देता है। क्रिकेट में दोस्तों गेंदबाज को खतरनाक बनाती है बेहतरीन लाइन, सटीक गेंदबाजी और गेंदबाजी में दोस्तों स्पीड, राइट दोस्तों। तो दोस्तों सवाल बनता है, क्रिकेट में दोस्तों जो गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं उस गेंद की गति कैसे नापी जाती है? तो दोस्तों शुरू में रडार गन या स्पीड गन का इस्तेमाल गेंद की गति मापने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो कौन से दोस्तों? रडार गन। रडार गन, इसे दोस्तों स्पीड गन भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? स्पीड गन भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करके शुरू में दोस्तों गेंद की गति मापी जाती थी। रडार गन की जो खोज है दोस्तों वो जॉन बाकर ने 1947 में की थी दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सिस्टम होता है इसमें दोस्तों क्या होता है, एक दोस्तों रिसीवर होता है और दोस्तों एक ट्रांसमीटर लगा होता है। क्या दोस्तों? रिसीवर और एक ट्रांसमीटर होता है। तो दोस्तों ये जो सिस्टम होता है रडार गन, ये दोस्तों जो साइड स्क्रीन होती है उसके पास का जो खंभा होता है उस खंभे पर इसको लगाया जाता है और वहां से वो क्या करता है, ट्रांसमीटर वेव्स भेजता है और उसके जरिए दोस्तों गेंद की स्पीड मापी जाती है। तो दोस्तों ये जो रडार गन का जो सिस्टम था दोस्तों इसमें क्या होता था, इसमें दोस्तों गेंद की गति मापी जाती थी, लेकिन दोस्तों जो गेंद की दिशा होती थी उस गेंद की दिशा का कोई अंदाजा नहीं लगता था। देन दोस्तों डॉक्टर पॉल हॉकिंस, इन्होंने दोस्तों एक ऐसा तंत्र विकसित किया जिसका नाम है हॉक आई। क्या दोस्तों? हॉक आई। क्या दोस्तों? हॉक आई। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दोस्तों अब गेंद की गति मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत दोस्तों 2001 से की जा रही है। 2001 से इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है गेंद की गति मापने के लिए। तो दोस्तों एक तकनीक जो है, एक तकनीक दोस्तों अचूक तकनीक है। कैसी दोस्तों? अचूक तकनीक है और इसमें दोस्तों 5 मिलीमीटर सीमा के भीतर के जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों ये तकनीक कैसी है दोस्तों? अचूक तकनीक है। दरअसल दोस्तों ये जो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है इसमें दोस्तों 6 कैमरे लगे होते हैं। कितने दोस्तों? 6 कैमरे लगे होते हैं और इन 6 कैमरे की मदद से जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं उसके आधार पर दोस्तों गेंद की गति होती है वो गति मापी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों जब गेंद हाथ से छूटती है वहां से लेकर वो जब तक डेड बॉल घोषित ना हो जाए तब तक का डेटा ये क्या करता है दोस्तों? रिकॉर्ड करता है। साथ ही साथ दोस्तों इस तकनीक में दोस्तों जो गेंद की दिशा होती है, क्या दोस्तों? गेंद की जो दिशा होती है उस दिशा का भी दोस्तों इसमें, गेंद की दिशा भी इसमें रिकॉर्ड होती है। मतलब दोस्तों जो LBW वगैरह होते हैं वो आसानी से इस तकनीक के जरिए दिए जाते हैं। जो थर्ड अंपायर के पास LBW के रिव्यू जाते हैं वो दोस्तों इसी तकनीक के आधार पर उसका फैसला दिया जाता है। दोस्तों ये जो टेक्निक है दोस्तों इस टेक्निक के जरिए दोस्तों गेंद की गति की सटीक जानकारी हमें मिलती है। क्या दोस्तों? गेंद की सटीक जानकारी, यानी 6 कैमरे की मदद से गेंद की गति की सटीक जानकारी हमें मिलती है, प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों गेंद की दिशा और स्विंग एक साथ नापा जाता है। जो गेंद की दिशा होती है और स्विंग होता है वो दोस्तों एक साथ नापा जाता है इस टेक्निक में। और दोस्तों प्रामाणिकता के साथ कहा जाता है गेंद स्टंप पर लग रही है या नहीं, यानी दोस्तों जो LBW होता है उसके बारे में सही फैसला दिया जाता है इस तकनीक के मदद से। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा गेंद की गति कैसे मापी जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।